सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अपनी जो ड्यूक 390 है भाई, बेसिकली ये गाड़ी फेमस है सिर्फ और सिर्फ अपने मीटर के लिए, क्या कि इसका जो मीटर है ना भाई, क्या मैसिव मीटर है। आपको इस तरह सेम नहीं बोलेंगे बट इससे कुछ मिलता जुलता जो मीटर भी आता है, G900 ZX10R और बाकी सारी सुपर बाइक में इस तरह का मीटर देना स्टार्ट कर दिया। जो मीटर है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है और 390 है सब बाइक पे, अगर ये मीटर बंद हो गया भाई तो गाड़ी ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा, हेडलाइट वगैरह सब कुछ बंद हो जाएगा क्योंकि सारे कुछ सेंसर से अटैच होते हैं। और ये मीटर का कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास है, कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, इसको संभाल कर रखना पड़ता है, जितना खूबसूरत भी है उतना एक्सपेंसिव भी है। तो बाय द वे मैं बात करूँ गाड़ी का ओवरऑल का, तो अब गाड़ी बहुत ही ज़्यादा दिखने में डिसेंट मॉडिफाई किया गया, कोई ज़्यादा छपरी लुक देने की कोशिश नहीं किया गया। बाय द वे उसमें चेन वगैरह सब है, सारा कुछ मॉडिफाई है, प्रोडक्ट लगा हुआ है और गाड़ी पर हर एक चीज़ का खूबसूरती से ध्यान रखा गया है। पेंट फ्रंट वाला और बैक वाला जो पेंट अलाइवल किया गया है, इसमें भी आप धूप में जाओगे तो इसमें भी जो ग्लिटर है वो भी शाइन करते हैं। मतलब इस गाड़ी में क्या ही चाहिए आपको, व्हीली मशीन बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें सिर्फ इंजन दिख रहा है, बस इंजन दिखेगा। मजा आगे, गाड़ी फुल ऑन नेकेड है, फुल ऑन नेकेड, इसमें कुछ ऐसा चीज है नहीं जो फालतू डाला गया है वेट को बढ़ाने के लिए। ये है ड्यूक 390, बहुत ही मैसिव और एग्रेसिव बाइक। तो फिलहाल अब इसको स्टार्ट करते हैं चलाने के ऊपर, तो बाइक ओवरऑल चलने में कैसी है तो लेट्स चेक। फिजूल का मॉडिफिकेशन अगर हम ड्यूक पे अगर डालते हैं तो वो भाई इसको अननेसेसरी भारी और ज़्यादा ही छपरी टाइप बनाती है। अरे कहना क्या चाहते हो, और वैसे भी बाइक कुछ ज़्यादा ही छपरी लोग बदनाम कर चुके हैं, तो इसको जितना कॉम्पैक्ट और जितना सेक्सी और हट के बनाया जाए उतना अच्छा दिखने में लगती है। सेम इंजन में नो छेड़खानी, बाय द वे बाइक का इंजन सुपर्ब है, हर एक गियर पे पुल करती है और आपको हर एक गियर पे ऐसा फील आएगा कि भाई गाड़ी को अब व्हीली करें, अब व्हीली करें। और भाई आरसीबी जो इंस्टॉल किया गया है उसका ब्रेकिंग तो लाजवाब है, सुपर ब्रेकिंग, ऑल इज गुड। नो डाउट पावर का मामले में 390 को बीट करने वाला सिंगल सिलेंडर मशीन अभी तक आया नहीं है। ज़्यादा आई कैची है कि लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, हम खुद इसको ज़्यादा देखते हैं दूसरों को क्या ही बताएं। बहुत शानदार, लवली भाई साहब, इतना ज़्यादा इसमें पावर है कि हेलमेट को भी उखाड़ने का ताकत रखता है। और मेरा लक देखो, हम जब भी थे 90 को चलाए हैं एग्रेसिवली तो कोना डैम पे ही चलाए हैं और हम कहीं नहीं गए हैं। इस पर डाउन शिफ्ट मांगते ही नहीं भाई, हर गियर पर टानती है। ये BS4 है, 43 BHP और 37 Nm को टॉक के साथ में, जो कि एक मैसिव पावर है। ऑल्टो कितना पावर प्रोड्यूस करती है गाड़ी, ऑल्टो 8 ने जितना। नाइस, थोड़ा सा अच्छा, ओके ओके, हाँ हाथ अभी बैठा नहीं है आरसीबी पे तो ब्रेकिंग उतना हार्ड अप्लाई करने में थोड़ा सा मन में लग रहा है डर। पूल के ऊपर गाय लोग के इतना भीड़ का है भाई, वेरी नाइस। कंपैरिजन टू डोमिनार थोड़ा सा ही एग्रेसिवली आगे बढ़ना पड़ता है ताकि लगे कि हाँ हम अब ये तब गाड़ी लेके भाग सकते हैं। बहुत सही, इसको टॉप इन लेना अभी यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रोड टॉप इन के लायक है भी नहीं। बताइए भाई गाड़ी क्या एग्रेसिव चलती है भाई, एकदम शानदार और जबरदस्त। लोकल एरिया में बाइक चलाना
390 पावर बहुत ज़्यादा है भाई, इसको अगर हम एग्रेसिव भी चलाएंगे तो भागना चाहती है, और इसको भगाने के लिए यह रोड नहीं है। डोमिनर क्या है फिर भी कंट्रोल वे में है, क्या उसको पावर बहुत लीनियर है, लेकिन ये बहुत एग्रेसिवली भागती है। ओके, तो ये रहा ओवरऑल गाड़ी का लुक, और गाड़ी चलाने में नो डाउट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसमें आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं चेन स्पॉकेट जो कि ब्रास के हैं, गोल्डन वाले, और होप सो गाइस आपको देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा हो। तो भाई मेरे चैनल पे बैक टू बैक 390 के वीडियोज़ आने वाले हैं, तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इन फ्यूचर हमारे चैनल पर अपग्रेडेशन भी होने वाला है, सो साथ बने रहिए, अच्छा लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टेक केयर, बाय बाय।